जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं इस टाइम एक बुक शॉप पे खड़ा हूँ। मैं आया किसी और काम पे था, तो ये मुझे कुछ दोस्त जो है ना इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ हाईलाइट करूँ। मेरी एक बहन भी इधर आई हुई है, वो भी अपना कोई दीनी एकेडमी चलाती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ये यहाँ पे इस गवर्नमेंट ने ये कलमा ही जो है ना वो हमारा तब्दील कर दिया, कलमा शहादत जो है। तो मैं इस टाइम एक बुक शॉप पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं अपने तमाम दोस्तों को, अपने जानने वालों को और जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये क्या तब्दीली की है। जी बहना, आप बताएंगे ये क्या तब्दीली की है इन लोगों ने? जी भाई, इन्होंने ना वादहु ला शरीका लहु ख़त्म कर दिया, जो अल्लाह की वादियों का एक सबूत है पक्का। जी जी, तो वो इन्होंने ख़त्म कर दिया ना। अभी मैं भी पारा लेने आई थी, तीसरा पारा लेने के लिए। जी जी, तो आगे ये देखा तो ये मुझे तो बहुत जी, ये देखें, ये कलमा शहादत है, इसमें लिखा हुआ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु लिखा जाना चाहिए था, और इसमें इन्होंने वहदहु ला शरीक छोड़ दिया जो है ना। ये आप इसको देख सकते हैं, और ये बुक है पंजाब बोर्ड की जो तरफ से ये इशू हुई है, और ये बाकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब हो रहा है। और भी ये बहना ने कुछ पारे लिए हैं, उसमें ये चीज़ें इन्होंने मुझे बताई हैं, और मैं देख के हैरान हो गया हूँ कि हमारे ऊपर ये जो अजाब है ये किस वजह से है। इसी वजह से यही चीज़ें जो हमारे ऊपर अजाब बन के जो है ना वो अपना सत्यानाश कर रही हैं हर चीज़ का। अल्लाह की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह की ज़ात हम सबको हदायत दे और इस चीज़ को जितना हो सके शेयर कर दे। जी जी, जनरेशन जो है ना हमारी, तो वो तो कुछ नहीं कर सकेगी ना फिर। जी जी, इस वजह से ये सारा मामला तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अगर अल्लाह के वहदानियत का जो जिक्र उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो बच्चों को क्या पता चलेगा अल्लाह वहद एक है? जी जी, बिल्कुल ऐसे उसका तो शरीक कोई नहीं है, अल्लाह का शरीक तो कोई नहीं, अल्लाह वहदहु ला शरीक है। अल्लाह तआला ने फरमाया कि शरीक एक ऐसी सियासी चीज़ है कि राय बराबर भी जो है मुझको नहीं पसंद है, हो ही नहीं सकती ना, एक राय बराबर भी हो ही नहीं सकता। जो ना अल्लाह का शरीक तो है ही कोई नहीं है, जिसने अल्लाह का शरीक किसी को ठहराया मेरे ख्याल में वो दारा इस्लाम से खारिज है, और वो मेरे ख्याल में मुनकर हो जाता है वो दीन इस्लाम से जो है ना। जी मामला जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इसको जितना हो सके शेयर करें।